नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुपर सीएम की भूमिका में हैं? आपको ये बात अजीब नहीं लगी होगी मैं जानता हूं, क्योंकि जो सवाल मेरे जेहन में है वही सवाल आपके जेहन में भी होगा, और उसकी एक ही वजह है, जिस तेवर के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जिस मिजाज के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और जिस एक्शन मोड में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से फुल फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि कहीं तेजस्वी यादव सुपर सीएम की भूमिका में तो नहीं है। जिस तरह से ऑन स्पॉट फैसले ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उनके जो बयान हैं, उनके जो चाल ढाल हैं, उससे लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव सुपर सीएम की भूमिका में हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कहने के पीछे, जो सबसे बड़ा तर्क हमारा ये है, क्यों हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस सरकार के मुखिया हों, उस सरकार के मंत्री या उस सरकार के उप मुख्यमंत्री इस तेवर में नजर आए, इस तरह से एक्शन लें, उनके फैसलों में कोई हस्तक्षेप न हो, इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है। बिहार ने इससे पहले भी दो डिप्टी सीएम देखे हैं। हां, सुशील मोदी की बात अलग थी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो केमिस्ट्री थी वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, हम उनके कामकाज पर, उनके कार्यकाल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तेवर में तेजस्वी यादव हैं वो तेवर नहीं था, जिस तरह से फुल फॉर्म में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं वो फुल फॉर्म नहीं था, इसीलिए सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव सुपर सीएम की भूमिका में हैं। और एक सवाल और है कि क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी ये मान लिया है कि अगले कुछ महीनों में उन्हें बिहार की गद्दी संभालनी है, बिहार की गद्दी पर बैठना है, इसीलिए वो उस भूमिका में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अस्पतालों में आधी रात को चले जाते हैं और वहाँ गड़बड़ी पाई जाती है तो एक्शन लेते हैं, और एक्शन पर सवाल उठता है, कोर्ट जाने की बात कही जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं जहां जाना है चले जाइए, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करेगी। तेजस्वी यादव ने कई अस्पतालों का रंग ढंग बदल दिया, बिहार के कई सरकारी अस्पतालों की रंगत बदल गई, ये पहले नहीं हुआ। तेजस्वी यादव आधी रात को गरीबों के बीच पहुंच जा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, तेजस्वी यादव आधी रात को मछुआरों के बीच पहुंच जा रहे हैं और उनके दुकान तोड़े गए तो उनको नया दुकान दिलवा रहे हैं, आधी रात को यह सब फैसला हो रहा है। क्यों नहीं यह सवाल होगा कि तेजस्वी यादव क्या सुपर सीएम की भूमिका में है? आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी बनते हैं, तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं, कायदे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृहमंत्री भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन आरएस भट्टी तेजस्वी यादव के दरबार में भी हाजिरी लगाते हैं। यह बात भी शोर इशारा करता है कि क्या बिहार के सुपर सीएम हैं तेजस्वी यादव। तो आप तय कीजिए, क्या बिहार के सुपर सीएम हैं तेजस्वी यादव? खबर तो यही है, जानकारी यही है कि बहुत कुछ पक रहा है, खरमास के बाद खेला हो सकता है, तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी अब बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।